कक्षा 11 के हमारे जितने भी एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी हैं, अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है आपका 21 मार्च के दिन रसायन का पेपर है और मैंने ऑलरेडी 3 तरह के पेपर और करा दिए हैं आपको, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। आइए इस पेपर को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं, हो सकता है इसमें से आपके क्वेश्चन काफी हद तक बैठ जाए आ जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है उतना इसका मान होगा। एक बम टेलोमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है, ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। PCl5 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp3d। l के प्रत्येक मान के लिए m का मान होगा 2l+1। 12 ग्राम, ठीक है, कार्बन है, यहाँ पर परमाणुओं की जो संख्या है वो बनेगी आपकी 6.02 × 10³³। क्षारी जो होते हैं अच्छे व्यवहार करती है, अच्छे ऑक्सीकारक की तरह, ये अच्छे अपचायक की तरह, तो अच्छे ऑक्सीकारक की तरह। जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान हो उन्हें डिजन रेट कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, डिजन रेट। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना वो फ्लोरीन से अधिक होगी। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में, ठीक है, NaCl3 मिला हुआ होता है। केरोसिन का जो तेल है वो एल्केन का मिश्रण होता है, किसका, एल्केन का मिश्रण। SS पार्श्व अतिव्यापन से, SS जो पार्श्व अतिव्यापन है उससे सिग्मा बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है, सिग्मा। हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम डेडेस की विलयन में विलयता से संबंधित है, गैस की विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं तो सही जोड़ी आएगी। हकल का नियम, ठीक है, एरोमेटिकता, हीरे की जो संरचना है वो त्रिविमी जालक समचतुष्फलक, पीएच स्केल का जी खोजे जो जिसने किन्ने की थी, सोरेनसन ने की थी। बम कैलोरी आंतरिक ऊर्जा और आपका जाएगा इलेक्ट्रोमेट्रिक प्रभाव, अस्थायी प्रभाव। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर है। कार्बोनियन में कार्बन पर आवेश होता है, तो कार्बन पर आवेश होता है ऋण आवेश। पीएच का जो मान निकालने का समीकरण लिखिएगा, तो माइनस का लोग और हाइड्रोजन धन आयन। NaCl और जल और अमोनिया में किसकी एंट्रोपी का मान अधिक होगा, तो अमोनिया की। सबसे अधिक विद्युत रोधी तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत रोधी तत्व है फ्लोरीन, F। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का जो मान है वो कितना होता है, 57 किलोग्राम। अब सत्य असत्य ये तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, चौथे की बात करें तो ये सत्य है, पांचवा और छठा ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम आपको बताना है, समस्थानिक की जो खोज है किसने की थी, इसके किस प्रकार प्रभावित किया, मोलरता किसे कहते हैं, ठीक है, यहां से देखिएगा, ये अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं, ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक क्यों है, अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यहां से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अम्ल व क्षार की
बोनस्टेड लोरी अवधारणा को उदाहरण से बताना है। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप तो ये प्रश्न है ना, ठीक है। इनका सबका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बच्चे नोट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे ही तैयार हो जाएगा 2 से 3 दिन बाद आपको इनका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अच्छा बाद में वीडियो देख रहे हो तब तक तो सॉल्यूशन डाल चुका होगा।